इसकी बराबरी करना छोड़ दे उस्ताद, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। गद्दी पे हम में हो। कुछ दिन रुको भाई साहब, हम ऐसा चमत्कार करेंगे जो हंसते हैं मुझे देखकर वो हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। तू अपनी बारगाह में बुलंद रख मेरे मौला, कोई नजर से गिराए या आसमान से फर्क नहीं पड़ता। होश तो उनके भी उड़ाएंगे जो अपने आप को बहुत बड़ी टॉप समझते हैं। अपने घर में कबूतर पाला करो, क्योंकि जिस घर में कबूतर होते हैं उस घर से शैतानी जिन भाग जाते हैं। कबूतर के परों की आवाज जिन्नात के बच्चों को दूर भगा देती है, और कबूतर हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं और मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद भेजा करते हैं। अगर मेरी कामयाबी कभी मुझे लिखना पड़े तो सिर्फ ये लिखूंगा कि मैं वो शख्स हूँ जो मोहब्बत में कामयाब हो गया था। कभी भी नाम में अपने कोई शोहरत नहीं जोड़ी, कभी इमदाद में एहसान की कीमत नहीं जोड़ी, और यही तो सोच कर आरिफ सुकून से नींद आती है। गरीबों का कभी हक मार के दौलत नहीं जोड़ी। हाय हाय वाह। पापा पूछते लड़का क्या करता है, मम्मी कहती मिलवाई दे, मैं क्या कहूँ। ये अपने पापा से कहो लड़का कबूतर पालता है। कबूतरबाजी से बढ़िया शौक में किसी भी शौक को नहीं मानता, क्योंकि जब आप छत की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हो ना, नीचे की सारी टेंशनें नीचे ही रह जाती हैं, और जब आप अपने जानवरों को देखते हो उस सुकून से बढ़िया सुकून कुछ भी नहीं होता। ओए मेरी जाने कबूतर सुन, मुझे आए वक्त नहीं हुआ और पूरा हिला डाला ना, मुझे आए वक्त नहीं हुआ और पूरा हिला डाला ना, तू जो बक 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 कर रहा था एकदम से शांत करा डाला ना। ये फिर से देखेगा जमाना हमें, हम फिर से अपनी मौज में आ रहे हैं। उड़ान भी भरेंगे इंशाल्लाह, तुम बस कबूतर देखने का हौसला रखना। तेरे पुराने बदनाम शाका, मुझे फख्र है तुझ पे, मुझे पूरा पूरा यकीन था कि शाका मारा जा सकता है लेकिन जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता। मैं मर नहीं सकता दारा, ना ही जिंदा पकड़ा जा सकता हूं, बस मार सकता हूं, सिर्फ मार सकता। बहुत मेहनत लगी है मुझे अपने किरदार को बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। हो गया कातिल तुम इसको बाहर गया। जिंदगी लग जाती है नस्ल बनाने में, इसीलिए इनके परों पे विश्वास है, दो पैसे की नशे की गोलियों पे नहीं। और छाती ठोक के बोलते हैं आसमान के जीते हैं, उड़ान की गोली की भीख मांग के नहीं जीते हैं। नूर ब्रीक होगा, जितना ब्रीक होगा कबूतर उतनी गहराई मारेगा, गहराई मारेगा, ये हमारे पुराने उस्ताद कह गए, लेकिन जो हमारे न्यू कमर उनको इस बात का पता ही नहीं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। कबूतरबाजों को बुरा भला कहने वालों सुन लो, कबूतरबाजी ऐब नहीं है, कबूतरबाजी इश्क है, जुनून है, शौक है। शायर कहता है कबूतरबाजी शौक के बादशाहों का, और ये शौक सिर्फ बादशाहों पर ही जचता है। जियो कबूतरबाज। जैसे आप लोगों को आईफोन और गाड़ियों का शौक, उसी तरह मुझे कबूतरों का शौक है। पहचान ही तो बनानी ना सर, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा बन जाएगी। कबूतरबाजों को बुरा भला कहने वालों सुन लो, कबूतरबाजी ऐब नहीं है, कबूतरबाजी इश्क है, जुनून है, शौक है। शायर कहता है कबूतरबाजी शौक के बादशाहों का, और ये शौक सिर्फ बादशाहों पर ही जचता है। जियो कबूतर। अदा तो अपनी फुल कातिल है, और एटीट्यूड में तो डिग्री हासिल है। कब आ रहे हैं? जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चली जाएगा।
हमारे यहाँ बदला लेने की परंपरा है, कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है कि अगली डील में दुश्मनों को जरा खबर कर दो, शेर जंगल में वापस आ गया। मुझे किसी की हार्ट बीट बनने की जरूरत नहीं है, मैं हार्ट अटैक देने वाला बंदा हूँ। बस यही खास बात है इस नस्ल में, जिस छत से उड़ते हैं उसी छत पे उतरते हैं। तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया। लेवल लेवल का फर्क है भाई साहब, आप आते हो एरो गेरो में और हम आते हैं शेरों में। सबसे अलग सबसे अच्छी।